अब खबर दें कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयान सामने आया, कहते हैं नेशनल ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बिलावल हाउस में पार्टी क़यादत से मुशावरत, जराए के मुताबिक नवाज शरीफ से राबता है, ना रखना चाहता हूँ। नवाज शरीफ इकतदार में या मुसीबत में हों तो उनकी तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। नवाज शरीफ को इकतदार में 62-63 क्यों याद नहीं था? नवाज शरीफ से राबता ही नहीं रखना चाहते तो डायलॉग कैसा हो सकता है? आसिफ अली जरदारी का ऐसा भी कहना था। एक अहम बयान सामने आया, वो कहते हैं कि नेशनल ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बिलावल हाउस में पार्टी क़यादत से मुशावरत, जराए के मुताबिक नवाज शरीफ से राबता है, ना रखना चाहता हूं, ऐसा भी कहना था आसिफ अली जरदारी का। नवाज शरीफ इकतदार में या मुसीबत में हो तो उनकी तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। नवाज शरीफ को इकतदार में 62-63 क्यों याद नहीं था? नवाज शरीफ से राबता ही नहीं रखना चाहते तो डायलॉग कैसा? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का अहम बयान सामने आ गया, कहते हैं कि नेशनल ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बिलावल हाउस में पार्टी क़यादत से मुशावरत, नवाज शरीफ से राबता है, ना रखना चाहता हूं। नवाज शरीफ इकतदार में या मुसीबत में हों तो उनकी तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। नवाज शरीफ को इकतदार में 62-63 क्यों याद नहीं था? नवाज शरीफ से राबता ही नहीं रखना चाहते तो डायलॉग कैसा? अहम खबर से आपको अपडेट करते चलें कि ऐसी खबरें भी सुनने को मिल रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आपस में रवाबित हैं। ख़ासतौर पर चेयरमैन सेनेट का बयान जब आया, उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने चेयरमैन सेनेट के बयान के हवाले से तकरीर में मैंशन भी किया। उसके बाद खबरें आने लगें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रबते हैं, उसी हवाले से तरदीद सामने आ गई है। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि नेशनल ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और ज़राए के मुताबिक उनका यह भी कहना था कि नवाज शरीफ से राबता है, ना रखना चाहता हूँ। नवाज शरीफ इकतदार में या मुसीबत में हों तो उनकी तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं, और नवाज शरीफ को इकतदार में 62-63 क्यों याद नहीं था? नवाज शरीफ से राबता ही नहीं रखना चाहते तो डायलॉग कैसा? रमीज़ अंजुम नुमाइंदा कैपिटल टीवी से मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। रमीज़, मज़ीद क्या कहना था आसिफ अली जरदारी का? जी, साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब नाहली के बाद जब सड़कों पर निकले तो उन्होंने कोशिश की कि वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से राबता करें और अपने जो मामलात हैं उसको सीधा करें, से राबता करने के बाद उनका ये कोशिश थी कि एक नेशनल ग्रैंड डायलॉग हो। उनकी कोशिश थी कि सीसी जो आईनी शिक्के हैं वो खत्म किया जाए, उस हवाले से उन्होंने मुसलसल राबता करने की कोशिश की। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जो है वो मुकम्मल इनकार कर दिया है। आसिफ अली जरदारी ने अपने एक बयान में कहा है कि वो नवाज शरीफ ना उनका कोई राबता था, ना वो आइंदा भी राबता रखना चाहते हैं, और सख्त तनकीद का निशाना ही बनाया उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब इक्तदार में होते हैं तो उनकी तरजीहात और होती हैं, और जब वो इक्तदार से चले जाते हैं तो उनकी तरजीहात बदल जाती हैं। इसके साथ साथ का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ साहब जिस ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी उस नेशनल डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेगी, और आर्टिकल 62 को खत्म करने के लिए भी मुस्लिम लीग उनका साथ नहीं देगी। उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस वक्त मुस्लिम लीग को हरी झंडी दिखा दी है। उनका यह कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पंजाब में मकबूलियत हासिल कर रहे हैं बहुत जल्द। अच्छा रमीज, बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी ने आया नवाज शरीफ की वो मार्च जो कि उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर तक की, और उसके दौरान फिर जो जलसे जुलूस में तकारीर में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और फैसले के बारे में बातचीत की, उस हवाले से कुछ इनकी राय सामने आई या रद्द अमल सामने आया? इस हवाले से भी मुझे, क्योंकि आज एक अहम इजलास है बिलावल हाउस के अंदर, आसिफ जरदारी साहब उसको चेयर कर रहे हैं, और उनके जो इस वक्त फोकस है वो एन 120 की इलेक्शन मुहिम है, उस हवाले से ज्यादा बातचीत की गई। इस दौरान पार्टी के लीडरान ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फोकस है वो एन 120 के इलेक्शन है, और पार्टी के पंजाब के अंदर पार्टी की मकबूलियत है। उनका ये कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ साहब जो है वो इक़्तदार जब इक़्तदार में होते हैं तो उनकी तरजीहात और होती हैं, और उसके बाद जब उनकी इक़्तदार से वो निकल जाते हैं तो उनकी तरजीहात और होती हैं। पीपल्स पार्टी किसी भी तरह से नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं देगी, वो जो है वो अपनी जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर आने वाले इलेक्शन पर उनका फोकस होगा। उनका ये भी कहना था कि जो चिन्योट का जलसा था वो मुखालफीन की आंखें खोलने के लिए काफी है, बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के अंदर काफी मकबूल हासिल कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी के दीगर जमातों के साथ मिलकर तो आगे चल सकती है, लेकिन नून लीग के साथ चलना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया रमीज़ अंजुम, नुमाइंदा कैपिटल टीवी लाहौर, हमें अपडेट कर रहे थे।